प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। माइंड मूवी, माइंड मूवी बहुत ही जानी पहचानी एक्सरसाइज है और बहुत यूज़ होती है। मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ। जनरली ये क्या है, एक ऑडियो वीडियो विजुअल्स क्रिएशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये हर तरह की पर्सनैलिटी को सूट करता है। कई बार क्या होता है कि आप ऑडिटरी पर्सन हैं, आप विजुअल इफेक्ट देख रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। कभी आप विजुअलिटरी पर्सन हैं, आप ऑडियो सुन रहे हैं, वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आप काइनेस्थेटिक पर्सन हैं, आप में वो फीलिंग्स जनरेट नहीं हो पा रही है, वो आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अफर्मेशंस बोलिए, लोग बोलते हैं विजुअल्स कीजिए, लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, पर वो सब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। वो क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं आप इस एक्सरसाइज से समझ पाएंगे। हमें तीनों पर्सनैलिटीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, तीनों इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि माइंड मूवी क्रिएट कर सकती है, जो कि माइंड मूवी जनरेट कर सकती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि तीनों फीलिंग्स जनरेट करती है। आप अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फीलिंग अबंडेंस की जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब बेकार है। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप विजुअल्स देख रहे हैं, सब बेकार है। तो हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे कि कैसे हमें माइंड मूवी क्रिएट करनी है, कैसे वो हमारे माइंड को नए नए वेज ढूंढ के लाकर देगा और वो हमारे लिए काम करेंगे। तो हम इसमें समझते हैं आगे। थैंक यू।